हाँ जी, क्या अल्लाह का कोई शरीक है? राइट, क्योंकि अल्लाह अकेला है और उसका कोई शरीक नहीं है। ठीक है, दूसरा जो तू तीन सवाल कर बच्चे, अल्लाह कब से है और कब तक रहेगा? हमेशा के लिए। राइट, अल्लाह हमेशा है और हमेशा रहेगा। ठीक, तमाम जहानों को पालने, तमाम जहान वालों को किसने बनाया? अल्लाह ने। राइट, जबरदस्त, माशाल्लाह। सबको पालने वाला कौन है? सबको रिज़्क कौन देता है? क्या अल्लाह की कोई सिफत बुरी हो सकती है? नहीं। राइट, बिल्कुल, अल्लाह पाक की कोई सिफत भी बुरी नहीं हो सकती। अल्लाह हर ऐब से पाक है। ठीक है, अल्लाह पाक हर ऐब से पाक है। क्या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आएगा? नहीं आएगा। पक्की गल ना? पक्की गल। हाँ, ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, आप आखिरी नबी थे। ठीक है, जो इसको ना माने वो इस्लाम से खारिज है, वो मुसलमान ही है। ठीक, तो उसके बाद खातमुन नबीयीन का क्या मतलब है? सब नबियों से आखिरी नबी। हां राइट, जो नबी सब नबियों से आखिर में आए उसको बोलते हैं खातमुन नबीयीन। ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में इनान नबूवत फरमाया। ये तो मैंने आपको जवाब बता दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस उम्र में इनान नबूवत फरमाया था? अक्सर बहुत कम तरजीह दी जाती है। ठीक है, किताब ऐसा लेके बैठा वहां, ये इसकी बुनियादी बातें हैं। ठीक है, ये मदनी ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਦਨੀ ਨਸਾਬ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਮਦਨੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੇਕਿਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੁੱਲ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਥ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਲੈਟਰ ਪੜ੍ਹਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮੀ इस्लामिक किताबा इस्लामिक किताब ये बारे मुकम्मल तफसील नहीं मिलती, ज्यादातर ना बहुत कम तफसील होती, जिस तरह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुकम्मल हो। ठीक है, उसमें मुकम्मल एक मुकम्मल एक किताब होनी चाहिए है। ठीक है, सुनता हवाले हर चीज, लेकिन नहीं साढ़े नहीं इस चीज़ में तवज्जो नहीं दे रहे। ठीक है, तो साड़ी ऐसा नाकामी का सबब भी यही है, साड़ी नाकामी का सबब भी इस टाइम यही है कि असी नाकाम इस वजह तो ही हो रहे हैं, क्योंकि असी इस्लाम तो दूर हो रहे हैं और असी नाकाम हो रहे हैं। ठीक है, तो अल्लाह की रस्सी मजबूती में पकड़ लवेंगे फिर असी मजबूत हाँ, फिर असी फिर डावाडोल नहीं हो सकते। ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣਾਣਗੇ ਸਮੋਲ ਪੋੜੇ ਇੱਧਰ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੱਕ ਕੁੱਤਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਟੱਕਰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਕੜੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕੜੀ ਦਾ ਦੋ ਵੀ ਬਣਾ ਤੇ ਅਮੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ रात हो जाती है, इन इस तरह हिलाई जाना।
अच्छा जी मैं बना लगी अज खाने मसला कड़ी। तो सब तो पहले मैं पेस्ट तैयार करूँगी, हरिया मिर्चा और लसन, लसन मसला बाहर लैके ताज़ा तोड़ के फ्राई पट के फ्रैश। तो इधर बना लेने पेस्ट। तो मुहम्मद दान के पापा की अफतारी का टाइम हो रहा वा, जल्दी जल्दी जरा खाना तैयार कर लेना। खाना नाल चावल और कड़ी, जीरे वाले चावल नाल हो गए बनावे, क्योंकि अपीजमा के बच्चे इतने के नाल फिर कड़ी बनावे। कड़ी का समान प्याज असं पतीले कट्टी जाते क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है हाँ जी, क्योंकि टाइम बहुत कम रहेंगे, इसलिए हम लोग ना प्याज पतीले के अंदर वॉश करके उसके बाद मैं वो पतीले के अंदर ही काट रही हूँ। प्याज वॉश किए जीरा मसाला और बेसन लस्सी के अंदर मैंने मिक्स करके रख दिया। अब इसके अंदर हल्दी भी मिक्स कर दूंगी थोड़ी सी, उसके बाद हम ये मसाला बनाते हैं, उसके बाद कड़ी तैयार करते हैं। अच्छा जी नाल ही इसी मिक्स कर देने हल्दी पाउडर। हाँ जी अच्छा जी प्याज ब्राउन हो चुके थे, पेस्ट में मिक्स कर दिता है, बेसन भी कर पा लिया, टमाटर भी मिक्स कर दिता, तकरीबन दो आलू जो कट करके पाए अच्छा जी। मैं पेस्ट जरा अदरक तैयार कर लगी हूँ, हरिया मिर्चा तो लसन में पहले पेस्ट बनाता, अदरक का याद भुल गया, अदरक का याद भुल गया सी, चलो ये भी जल्दी जल्दी पेस्ट बना के भी मिक्स कर दें। अच्छा जी पेस्ट तैयार कर लिया, इस तरह मिक्स कर दें, जरा अदरक का पेस्ट का ये जरा कच्चा पानी खत्म हो जाएगा सारा। अच्छा जी हम मिक्स कर दें पाउडर मसाला, क्योंकि अच्छी तरह फ्राई हो चुके से, दो चम्मच गरम मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक मिक्स कर, हाँ जी नमक भी मिक्स कर लिया। अच्छा जी थोड़ी जी रेड मिर्च ज्यादा, क्योंकि बच्चे ज्यादा मिर्च तेज नहीं खाओगे, बस बच्चों के मुताबिक जो मिर्ची है पावे, हल्का पानी ला दें मसाला जरा लगे मसाले भी दो तीन घंटे बनाई, फिर उस बाद जरा बेसन मिक्स कर। अच्छा जी बेसन जरा पानी लिया के मिक्स कर दी, तो मैं जानी बाहर गार्डन च लैके आनी धनिया, और धनिया से मिर्ची पाउडर ला। समान भी तैयार कर लें, तो मैं थोड़े जो कपड़े जोड़े उस कर लवा, अच्छा माया पात बड़ी चाची जी चटकड़ी बना रही है, यह जब उठना नहीं जिद करे उबले अग पकनी, क्योंकि ये को उठिए उबल के चूल्हे पै जाए, क्योंकि मजा खराब हो जाए। अभी मेथी, मेथी जी अच्छी तरह वॉश कर ली थी गार्डन च, मैं ले आई थी गार्डन से जा कटी जा रहे हैं जी, बीच नहीं काट रहे हम आज, हाँ जी क्योंकि काली तो काली है तुम पता ना, अफतारी का टाइम थोड़ा रह जाए ना तो बहुत काली पैंती है बहुत ज़्यादा, तो हम कड़ी पकती है जरा कम करने वाला वो भी करते हैं, तो नाल ही पकौड़े का समान तैयार कर लें। चावल जो ले बच्चों की फरमाइश, तो चावल हम अच्छी तरह चुग दे, चावल भी तैयार कर दे, कड़ी नाल चावल बन बइया रखा जल्दी जल्दी, तो नाल होगी लस्सी, लस्सी पीना जिन्हें पीनी है उनके नाल पत्ती करके Yeah.
अच्छा जी पानी में मिक्स कर लिया माशाल्लाह चावल देने मैं अच्छी तरह रोट वगैरह चौले क्योंकि रोट वगैरह क्यों ना हो फिर इदा खाते ना दंद दंद थले किच किच होती है इस वास्ते हम मैं अच्छी तरह वॉश करके ले आनी तो क्योंकि मुहम्मद आंदे पापा ने बहुत ज़्यादा हम रोज़ा खोलिया माशाल्लाह तो बहुत ज़्यादा भुख लगी हुई है नमाज पढ़न दी है यार जल्दी जल्दी खाना तैयार कर लो तो हूँ जल्दी जल्दी खाना हो तैयार हो रहा अच्छी तरह रोड वगैरह चुक गया कर चुकी है बना चावल बना के फिर पकौड़े तसली के नाल तैयार करा चावल माशा पानी उबलन लग गया तो चावल भी वॉश करके ले मोहम्मद आंदे पापा कह रहे थे नहीं रोटी बना के दो मैं तो कोई टेंशन नहीं रोटी बना दें चावल दे के ना तो फिर मैं बाद रोटी बना दूंगी चावल मिक्स कर लें क्योंकि भुख बर्दाश्त नहीं करता क्योंकि भुख जी बर्दाश्त नहीं होंगी इस घर के ना जो भुख लगी हो सिर तो घर चुक लें तो चावल मसले के मिक्स कर दिए अच्छी तरह मुकम्मल पक्के तैयार हो जाते फिर आप नई शेयर करा खुशबू कड़ी भी आ रही है यह बड़ी प्यारी लड़ने नीचे ना लगे चावल आगे देख सकते मछला पकौड़े निकल चुके मोहम्मद आंदे पापा ने खाना खा लिया ठीक सर्दी मछला बस आ खला रह गया ये भी जल्दी जल्दी निकाल लेंगे मेरी वाइफ सारा निकाल रही है हाँ जी आ गए थोड़े थोड़े बड़े बड़े रख दिते लास्ट हाँ जी हूँ लगाने करी तड़का मैं हूँ बाहर लैके आई हूँ पट के फ्रैश लसन हूँ लसन छिड़क दिनी है तो फिर तड़का लाने मछला चावल बन चुके सब तो पहले मोहम्मद आंदे पापा दिते तो मोहम्मद आंदे पापा कह रहे रोटी खानी है कोई गल रोटी बना दिनी है क्योंकि पर दो दिन हो गया अज रोटी नहीं खाधी है कल भी चावल बने अज भी चावल हाँ जी अज भी चावल बन गए हैं चलो मैं हमें बना लैनी रोटी चूल्हा वेला हों ना रोटी बना अच्छा जी प्लेट गर्म सी मोहम्मद आंदे पापा ने डिश दीती है डिश में रख खा रहे हैं तो हम टेस्ट करके तो हाँ जी जीरे वाले चावल पकौड़े बनाते तुम पकौड़ा इस तरह नहीं दिता क्योंकि काली काली सी भुख लगी मोहम्मद आंदे पापा ने दोपहरा रोज़ा रखे वा फिर अल्लाह ताला कबूल कर लवे इंशाल्लाह तो इस वास्ते हम काली बहुत ज़्यादा सी तो जल्दी जल्दी पहले सब तो पहले खाना बना के दिता मोहम्मद आंदे पापा कह रहे थे रोटी खानी है मैं चलो रोटी बना दिनी तानिश दरवाजा ना भन्नो तानिश बहुत तंग करता वा तो अज मछला बहुत प्यारी कमरे की सैटिंग हो गई हाँ जी मछला बहुत प्यारा बड़े कर रहा है बड़े है सी। सी कह ना हाँ जी क्योंकि खराब होया ना वा सिंगल बेड वा सिंगल पेशेंट लग दे हां जी डबल वे फिर पेशेंट लग जाए सिंगल बेड आ सिंगल पेशेंट लग जाए नाले कमरे दी तवा इस तरह के बच्चे एक सेट रहन के मैं इधर एक सेट इनको हे कपड़े साफ रहंदे या दिमाग पढ़ने वास्ते फिर टेंशन नहीं बनदी मतलब पोछे बने हैं गुड हो गया दानिश ने खिला दे सुने सब तो पहले बच्चों अलहमदुल्ला घर वाले ने एक तवा चावल और कड़ी बनाई सी रेसिपी बनाई सी उस बाद बच्चों ने एक इंटरव्यू भी लिया मैं बच्चों का देखो कि बच्चे जाके की करते स्कूल ठीक है क्योंकि इन्होंने कि चीज़ आ इलम कोशिश करनी चाहिए सानू दवा अपने बच्चे तरजीह देने की ठीक है तो बाकी इंशाल्लाह हर इनके फैमिली बच्चे माँ बाप जरूर पढ़िया लिखा होना चाहिए माँ बाप पढ़िया लिखा होगा ना तो वो औलाद वास्ते बेहतर होंगे वा ठीक है भाई नू मैसेज आखांगा भाई इन्हां दा रोज इंटरव्यू लिया कर ठीक है भाई नू पूरा दावी दिंदा कि
ਬਾਈ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਕਰੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈ ਮਜਲਾ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਾਜ਼ਮ ਲਿਆ ਕਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਗਾ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਕੜ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਲਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।